अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं और चेहरे पे मुस्कान है, आखिर क्या ऐसा हुआ है कि क्यों मुस्कान है, हम जानना चाहेंगे। आपके चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है, क्या कुछ विषय बताएं? बहुत खुशी की बात है, विशेष करके छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा बिल जो पास किया था सन 1984 का अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण अलग से जो इस वर्ग के लिए जो जाति प्रमाण पत्र जो मूल जो दस्तावेज है जिनके पास सन 1950 का दस्तावेज है उनका तो ऑलरेडी बन जाता है। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है किसी कारणवश उन लोगों का सरलीकरण, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो सरलीकरण का प्रक्रिया लंबा समय से चल रहा था, इनके कांग्रेस के पूर्व में भी सरकार था वो भी चलाया बाकी कर नहीं पाया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ विशेष करके, और यहाँ रायपुर नगर निगम में हमारे निःशुल्क सभी जोन में आवेदन मिले संपूर्ण जानकारी के साथ ये आवेदन आया और जिसका आज हमारे सलाहकार समस्त सदस्यों के मार्गदर्शन में और विशेष करके महापौर सभापति विपक्ष के नेता और निर्वाचित हमारे पार्षद और एल्डरमैन सभी का अधिकारी कर्मचारी कमिश्नर के सहयोग से सर्वसम्मान से सामान्य सभा में पारित करने के बाद तहसील कार्यालय में भेजे थे, जिसका आज हमारा मीटिंग भी था उसमें भी चर्चा किया, सबका स्वागत किए और आज इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र सभी बच्चों को वितरण कर दिए। हम बधाई देते हैं और इसी प्रकार से जो इतना भी प्रकरण हम लोग के पास आएगा विचार के लिए उसको सर्वसम्मति से पास करेंगे और हम भविष्य में जो इनका उज्ज्वल भविष्य हो ऐसा हम कामना करते हैं। सुंदरलाल जोगी सदस्य प्रभारी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग रायपुर नगर निगम। जोगी जी, अब सरलीकरण होने के बाद अब क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कितने दिन में हम जाति प्रमाण पत्र पा सकते हैं? सबसे पहली बात जो है दस्तावेज निःशुल्क है, उसमें सारी कंडिका उसमें उपलब्ध है और संपूर्ण जानकारी आवेदक का घोषणा के अनुसार से उसमें शपथ पत्र लगेगा और उनका जो मार्गशीट का जिसमें जाति का उल्लेख रहता है और पंचनामा है और समाज का जो प्रमुख अध्यक्ष है कोषाध्यक्ष है और अनेक तीन प्रकार के जो तीन सदस्यों के द्वारा प्रमाणित करेगा, उसके बाद पार्षद प्रमाणित करेगा, वहाँ का जो पटवारी है, अन्य जितने भी प्रक्रिया है उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो भी, और विशेष करके ये केवल रायपुर नगर निगम के लिए आदेश नहीं हुआ है, पूरा छत्तीसगढ़ के पंचायत प्रस्ताव जो निचले जो परिषद होता है जो जैसा जानता है, जैसा मान लो सन 1950 के पूर्व इनके परिवार जहां रह रहे हैं उस परिषद उस तहसील उस पंचायत में ही उनका बनना है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं ना परेशान होने की जरूरत नहीं, बाकी जहां भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस नेता विभार जी भी हैं, समाज वंचित था अभी तक, आज अब सरलीकरण हो गया है, क्या कुछ फ़ायदा होगा? निश्चित तौर से मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ पूरे हमारे उत्कल समाज के जो पूरे प्रदेश में है छत्तीसगढ़ में, वो उनको बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे पार्षद साथी लोग हैं जितने नगर निगम में भिलाई दुर्ग रायपुर सरायपाली बसना चारों तरफ जितने भी लोग हैं हमारे समाज के लोग हैं सब लोगों के मन में खुशियाँ हैं, मतलब कई वर्षों के बाद में जाति प्रमाण पत्र जो बना है ये माननीय भूपेश बघेल जी के कहने से बना है और उनके प्रयास से उनके सरलीकरण करने से ये सारे लोगों को फायदा मिल रहा है और हम लोग सब पूरे समाज के लोग जो हमारे उत्कल समाज के लोग हैं घाणा समाज के लोग हैं और जो भी हमारे सतनामी समाज के भाई लोग भी हैं, हमारे सुंदर जोगी जी सतनामी समाज के लीडर हैं, उसके बाद में महार समाज के लोग जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, सारे लोगों के मन में खुशियाँ हैं और सब लोग अभी एक शुरुआत है, अभी एक शुरुआत है और अभी पूरे प्रदेश में एक प्रक्रिया चल रही है और रायपुर जिले में खासतौर से रायपुर में जितने जो 70 वार्ड है सब वार्ड में एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और उस अभियान के माध्यम से सारे लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनने का एक बहुत तेज़ी से मतलब काम होगा। हमारे सारे पार्षद लोगों को जोन के हिसाब से मतलब बांटा जाएगा, महापौर जी ने कहा है कि एक एक पार्षद को तीन तीन जोन निगरानी कमेटी बनाएंगे ताकि वहाँ पर लोग जा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके प्रस्ताव MIC में आ रहे हैं कि नहीं, सामान्य सभा में आ रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों की निगरानी के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। अभी एक खुशी है, मुस्कान है क्योंकि सरलीकरण नहीं हो रहा था काफ़ी समय से, 50 साल के रिकॉर्ड मांगे जा रहे थे लेकिन अब सरलीकरण हो गया और जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं अब अपना सर्टिफिकेट अब आसानी से बना सकते हैं। कैमरामैन धीरज के साथ मैं अरुण बागड़े, रायपुर छत्तीसगढ़।